दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू राधास कल्नरी। आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन डिश वेजिटेबल लज़ानिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए पहले उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ये लज़ानिया शीट है, ये बाजार में इजीली मिल जाती है। हम इनको यहाँ पर प्री बॉइल नहीं करेंगे, ऐसे ही रॉ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने ये 400 ग्राम टमाटो लिए थे, 5 से 6 थे नंबर में। इसको हमने पानी में ब्लांच कर लिया और फिर मिक्सी में पीस लिया, तो इसकी ये प्यूरी बन गई। यहाँ पर हमें ये 200 से 250 ग्राम चीज ली है। इसमें दो तरह की चीज ली है हमने, एक तो हमने मोज़रेला चीज ली है और हमने लिए प्रोसेस चीज, दोनों हमने 50-50% लिया है। और हमने ये 400 ml मिल्क लिया है। कप से नापेंगे तो ये 1.5 से 2 कप है। यहाँ पर हमें कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, ये है येलो जुकीनी, ग्रीन जुकीनी 100 ग्राम। यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न लिया है, 1 रेड बेल पेपर लिया है और ये 1 ही हमने यहाँ पर येलो बेल पेपर लिया है। आप सब्जियां इसमें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, उसको फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टमाटो है, उसको पीसेस में कट कर दिया है। यहाँ पर हमने 3 से 4 TBSP लहसुन लिया है, उसको ग्रेट कर दिया है। 3 TBSP यहाँ पर मैदा है। 50 से 60 ग्राम हमने यहाँ पर बटर लिया है। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ब्लैक पेपर है, चिली फ्लेक्स है, लाल मिर्ची पाउडर है, थोड़ी सी चीनी है और यहाँ पर ये ऑरेगानो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, गैस ऑन कर दी है। इसमें हम बटर डाल रहे हैं, बटर को हम मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर हमारा बटर मेल्ट हो गया है, गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम मैदा डाल रहे हैं, हमें इसको ऐसे विस्क करते हुए चलाते रहना है जिससे कि लम्स ना बने हमारे मैदा में। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें यहाँ पर हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए सॉस हमारी अब ठीक होनी शुरू हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रहे हैं, 1/2 TSP। इसको सीजन करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। ये सॉस में तैयार हो गई है, गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे। इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे। अब हमने एक दूसरा पैन लिया है, इसमें हम ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। 1 से 2 चम्मच हमने यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाला है। आप वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे। यहाँ पर हम अब लहसुन डाल रहे हैं इसमें कसा हुआ, 1 TBSP में लहसुन डाला है इसमें। इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है बस। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं, इसको सौते करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अदरक लहसुन को भून लिया है। अब इसमें हम जो हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी उसको ऐड कर रहे हैं। ये हम रेड सॉस बना रहे हैं, पहले हमने व्हाइट सॉस बनाई थी, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्ची ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब। थोड़ा हम इसमें ऑरेगानो डाल रहे हैं, थोड़े से हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 TSP। नमक डाल रहे हैं स्वाद के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम इसमें 1 TBSP शुगर ऐड कर रहे हैं, साथ ही हम इसमें 1 से 2 चम्मच गर्म पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएं जब तक कि हमारा जो ये सॉस है थोड़ा सा ऑयल ना छोड़ दे। अब हम इसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इधर हमारा रेड सॉस अभी दूसरे गैस पर बन रहा है। यहाँ पर हम एक दूसरा पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच। यहाँ पर हमारा जो है ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम कसा हुआ लहसुन डाल रहे हैं 1 TBSP। इसको भूनेंगे 1 मिनट के लिए, भूनेंगे हम इसे यहाँ पर। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं, 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे हम इसे। अगर हमें यहाँ पर इसको जलाना नहीं है, तो हल्का सा पिंक होने तक भूनना है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं, गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। यहाँ पर कॉर्न ऐड कर रहे हैं, येलो जुकीनी डाल रहे हैं, ग्रीन जुकीनी डाल रहे हैं इसमें। अगर मिक्स करेंगे इसको, वेजिटेबल आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई और भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम है, कैप्सिकम है, कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। रेड बेल पेपर डाल रहे हैं, येलो बेल पेपर। यहाँ पर हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक आप कम ही डालिएगा क्योंकि हमने सॉसेज में भी डाला है। चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं 1/2 TSP, ऑरेगानो डाल रहे हैं 1 TSP। इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम ढककर पकने देंगे।
यहाँ पर हमारी जो सॉस है वो तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। ये सब्जी हमने बाउल में रख दी है, उसको साइड पे रखेंगे। अब हम अपनी लजानिया की लेयरिंग करेंगे। यहाँ पर हमने एक डिश ली है, ये मेरे पास स्क्वायर है, सेरेमिक की है ये। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉस लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नीचे हमें सॉस स्प्रेड करनी है। अच्छे से स्प्रेड कर दें आप। अब इस पे हम अपनी हमने व्हाइट सॉस बनाई थी वो डाल देंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे कोने में भी। अब हम लजानिया की शीट लेंगे, वो रखेंगे। यहाँ पर हम ये रो लजानिया शीट ले रहे हैं, हमने कोई इसको बॉईल नहीं किया है। अब इसके ऊपर हम फिर से अपना जो रेड सॉस है वो डालेंगे। हम इसको यहाँ पर बेक करेंगे। हमने अपने ओवन को प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अब इसके ऊपर हम व्हाइट सॉस डाल रहे हैं, इसको स्प्रेड कर देंगे कोने में भी आप अच्छे से करें। अब हम इसके अंदर अपनी जो हमने सब्जियां बनाई थी वेजिटेबल्स अपनी वो डालेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर दें इसको आप। अब हम यहाँ पर जो हमारी चीज थी दोनों तरह की वो डालेंगे। आप यहाँ पर शेडर का भी यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पर केवल दो तरह की चीज ली है, प्रोसेस चीज और मोजरेला चीज। अच्छे से डाल दें आप। अब इसके ऊपर हम फिर से अपनी लजानिया शीट रख रहे हैं, फिर से हम रेड सॉस डालेंगे, व्हाइट सॉस डालेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे। अब फिर से हम अपने इसमें वेजिटेबल डाल रहे हैं। वेजिटेबल आप खूब सारे डालें इसमें अच्छे से पूरा। अब हम इसमें अपना फिर से चीज डाल रहे हैं। अब हम इसमें फिर से अपनी लजानिया की फाइनल शीट रखेंगे। अच्छे से कवर कर दें आप। अब इसमें हम फाइनल रेड सॉस डाल रहे हैं अपना शीट के ऊपर। थोड़ा सा हम इस पर व्हाइट सॉस डाल देंगे। अब हम इस पे अपना जो चीज है वो अच्छे से डाल देंगे, पूरा कवर कर देंगे हम इसको। थोड़ा ऊपर से इसमें रेड सॉस डाल देंगे। थोड़ी सी वेजेस डालेंगे, ज्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी बस। लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी मोज़रेला डाल रहे हैं, ऊपर से खाली मोज़रेला है ये। इसको कवर कर देंगे अच्छे से। अब हमारी जो लजानिया है वो बेक होने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। अब हम अपनी लजानिया को बेक होने के लिए डाल देंगे। हमें यहाँ पर इसको 50 मिनट के लिए बेक करना है, उसके बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पर 50 मिनट हो चुके हैं और हमारी लजानिया बनकर तैयार है। देखिए इसको कितना अच्छा कलर आया है, इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए हमारी लजानिया बनकर तैयार है, इसका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है चीज़ की वजह से। ऐसा ही कलर चाहिए हमको, इसका मतलब हमारी लजानिया बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।